उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्यसभा की माननीय सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्रीमती गीता साक्य जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, माननीय विधायक गण श्री रमा शंकर पटेल जी, श्री रत्नाकर मिश्र जी, श्री अनुराग सिंह जी, डॉक्टर विनोद बिंद जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू कन्नौजिया जी, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा चौरसिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती आभा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी जी, अपना दल के जिला के अध्यक्ष श्री रामलोटन बिंद जी, माननीय सांसद श्री पकोड़ीलाल कौल जी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनपद मिर्जापुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भारी संख्या में सभी उपस्थित बहने, मां विंध्यवासिनी के धाम में स्थित इस लालगंज क्षेत्र में आज मुझे आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे मां विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता, और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर ये लगा
कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को प्राप्त करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना, इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद ने स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाए इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जान रहे हैं अधिनियम बनेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत वैसे भी इस दिशा में बहुत प्रगतिशील कदम रखा है, आगे बढ़ाया है, सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम आज देश के लिए और दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। उसी श्रृंखला में अधिनियम का पारित होना दुनिया के आधी आबादी के सामने एक नया आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है और भाइयों बहनों इसीलिए आज मैं फिर यहां मां विंध्यवासिनी धाम में आकर के यहां की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। हमारा यह विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का त्रिकोण, याद करिए महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। मैं देख रहा था, मैं अष्टमी के दिन पूछ रहा था कि मां विंध्यवासिनी धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, मुझे बताया गया कि अकेले एक दिन में 35 लाख लोग मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। आप अनुमान करिए, पहले 35 लाख लोग पूरे वर्ष भर में आते थे, आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती हैं सुविधाएं मिलनी चाहिए,
कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग एक वर्ष पहले यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके उपरांत उस समय मैं विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां आया था। वह हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी को ही अपना दल हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौल को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहां को सम्मानित किया है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इस दृश्य से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा श्रीमती रिंकी कौल विधायक बनने के बाद अब आपके प्रतिनिधि के रूप में पहला भाषण उनका मंच पर हुआ। आज वे महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में, यहां के समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज उसी की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद विकास की नई चुनौती, नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहाँ की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया, मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए, एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय नहीं मिलते थे? अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा। याद करिए ना, मां विंध्यवासिनी धाम का जो त्रिकोण है वह मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में विख्यात है। एक तो तीनों देवियों का आशीर्वाद यहां के माध्यम से हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर बरसता है और हम लोग भी बार बार यहां पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आधी आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आधी आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो, कोल कोड या फिर मुसहर, बंटांगिया, थारू,
जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार करेगी और सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया है। हर व्यक्ति को आवास मिलना ही चाहिए। हर घर में स्वच्छता के लिए, नारी गरिमा के लिए शौचालय होना ही चाहिए। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था होनी ही चाहिए। हर परिवार में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और सरकार की परीक्षा की कसौटी थी कोरोना कालखंड। आपने देखा होगा जब विपक्ष के लोग आराम कर रहे थे, अपने अपने लिए ही चिंतित थे, तब डबल इंजन की सरकार आपके हितों का संवर्धन करने के लिए फ्री में टीका, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में उपचार के साथ साथ फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दे रही थी और आज भी दे रही है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश ही परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 142 करोड़ की जनता ही परिवार है और उनके लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, सरकार ने इसी क्रम में जो योजनाएं चलाई हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुझे अच्छा लगता है जब 6 चरणों में पैसा बेटी के खाते में जाता है, बेटी के जन्म लेने के साथ और बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई में योगदान देने के लिए पहले 15,000 रुपया हम देते थे, नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपया करने जा रहे हैं। 25,000 रुपये की राशि बेटी को मिलेगा। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रदेश की 17 लाख बेटियां आच्छादित हो चुकी हैं, यानी 19 में हमने प्रारंभ किया, अब तक 17 लाख बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3,10,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए 51,000 हर बेटी की शादी के लिए भी सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। आप पूछ देखिए ना, पहले बेटियों की शादी के लिए गरीब के घर कोई जाता ही नहीं था और आज जब सामूहिक विवाह की ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, ये सभी उस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। ये बातें दिखाती हैं सरकार ने जो किया है पूरी ईमानदारी के साथ, हर गरीब का भी सम्मान हो और हर बेटी को समाज सम्मान के साथ देखे। इस देश से सरकार के कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार वर्तमान में मिशन शक्ति के अंतर्गत अपने चतुर्थ चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जैसे यहां पे अनुप्रिया जी ने बताया भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बेटियों की संख्या अधिक से अधिक भरी जाए, 1947 से लेकर 2017 तक केवल 10,000 महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 40,000 महिला कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं। ये 40,000 महिला कार्मिक प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तमाम अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए अलग अलग द्वार खोले हैं, अलग अलग क्षेत्र में वे आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश में 75 लाख परिवारों में अब तक घरौनी वितरण का कार्य किया जा चुका है, यानी 75 लाख परिवार
मैं जमीन का मालकिन, अब महिलाएं बन चुकी हैं। 55 लाख परिवारों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है, इसमें भी हर 55 लाख परिवारों के मकान की मालकिन उस परिवार की महिला जो सदस्य है उसके नाम पर मकान भी उसे उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, सरकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार अगर इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती है, कोई कारण नहीं कि गरीब के पास उन योजनाओं का लाभ न पहुंचे, अवश्य पहुंच सकता है। पहले 300 रुपए की निराश्रित पेंशन दी जाती थी, आज मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने 300 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ा करके आज इसे 1000 रुपया प्रतिमाह किया है। हर लगभग 30 लाख निराश्रित महिलाओं को हर वर्ष 12000 रुपए की पेंशन की राशि हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार की वह योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आज मैं आपके बीच इसी बात को लेकर के आया हूं कि प्रदेश में और केंद्र में दोनों सरकारें मिलकर के आधी आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगी। इतनी सुबह आप लोग यहां पर एकत्र हो गए और एकत्र होकर के इतने भव्य सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं एक बार फिर से महिलाओं को देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त होने के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हमारी बहनें और मजबूती के साथ कार्य कर पाएंगी। एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी धाम के श्री चरणों में नमन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली।